Hello, can you hear me? Yes, sorry guys. Yeah, so again, to answer a question, one advice which I think would have changed the course of my career would have been ke mujhe financial services industry wala koi mil jata starting mein, private equity, investment, valuations, ye sab ke bare mein. Mere circle mein koi tha nahin, actually. So agar mujhe wo koi agar mil jata, to shayad I would have been on a different path. Okay. Okay, मैं एक चीज और भी था सर, जैसे आपका वो जो वेबसाइट है ना, तो भी एक बार गो थ्रू करवा दीजिए ना, जैसे आपका जो कोर्सेज वगैरह है तो भी लोगों को काफी हेल्प हो जाएगा. अगर कोई डाउट नहीं तो वो एक बार आप गो थ्रू करवा दीजिए. और क्या आपका एक अच्छा कोर्स है, उसके बारे में भी एक दो हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लोग ले भी लेंगे. वो वाला आपका बढ़िया मैंने देखा था, वेबसाइट भी एक बार गो थ्रू करवा ही दीजिए. जस्ट इफ यू कैन अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन. मैं शेयर कर देता हूँ और आप लोग कोई क्वेश्चन होगा ना मेरे को दे दीजिएगा. yeah. सर को मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत सर, एकदम आराम से कर दीजिए. आपका आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप में भी आप कनेक्ट करने में मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत होता है ऐसे. काफी जेनरस इंसान है मैंने देखा जितना. मैंने दे दिया शेयर आपको. शेयर आई वुड प्रेफर LinkedIn, so normally LinkedIn पे मैं LinkedIn ना ठीक है LinkedIn कर देंगे एकदम. LinkedIn में कनेक्ट कर लीजिएगा सर के साथ, मैं भेज दूंगा आप लोगों को. ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. लेट मी नो इफ यू कैन सी इट. हाँ जी सर, अभी तो नहीं दिख रहा. वन सेकंड. Now you should see it. Yeah, so trainforcorp.com is the site name. Okay, largely what I've tried to do is put in as much of my experience as possible. Okay, is pe aapko range of courses mil jayenge. Jaise consulting to industry ye hai ke ek audit firm se agar aap industry mein join karte ho to fundamentally aapko mindset shift kya hona chahiye, kis tarike ke roles industry side mein honge wo uske bare mein hai. Then FP&A ke upar course hai. Many of the people might have interest in understanding what is FP&A. You know, koi aisa course available nahi hai, but this is a very compact course jo aapko char paanch ghante mein FP&A ke bare mein kafi kuch samjha dega. It will make you even confident to attend the interviews as well. Then ek industry plus course hai, which is an advanced version of consulting to industry course. Isme kafi kuch cover kiya hai ke ek classic manufacturing service ya trading organization mein kis tarike ke different roles hote hain, aapko wahan pe kya karna hai, क्या सीखना है, कैसे क्रॉस फंक्शनल टीम से रिलेशनशिप बनाने हैं, FP&A, फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग, काफी कुछ चीजें इसमें कवर की हैं, अलोंग विद सम करियर गाइडेंस टिप्स एज वेल अबाउट बिल्डिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, रेज्यूमे, कैसे आपके करियर को आप एक ग्रोथ पाथ पे आप जा सकते हो, या ग्रोथ प्लान आपको कैसे बनाना है, तो वो सब चीजें इसमें कवर करी हैं. अगेन बिल्डिंग एन ऑसम सीए फ्रेशर रेज्यूमे इज अबाउट, इन टाइटल उसका सीए फ्रेशर रेज्यूमे है, बट द प्रिंसिपल्स होल्ड गुड फॉर ऑल फाइनेंस प्रोफेशनल्स. क्या आपको रेज्यूमे में पहले डालना चाहिए, हाउ द फर्स्ट हाफ पेज ऑफ योर रेज्यूमे इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ज्यादातर वही देख के लोग कंक्लूड कर लेते हैं या रिक्रूटर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता. एंड आई कैन गारंटी यू दिस बिकॉज माई वाइफ इज अ रिक्रूटर, शी इज इनटू एचआर, और वो जितने रेज्यूमेस गो थ्रू करती है फॉर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट इट इज क्रेजी. ओके, सो सर मेरा हेल्प कर दीजिएगा, सर टाइम कर दीजिएगा नौकरी वोकरी लगवाने में आपका भाई भी रिकवर. अभी तो वो एक्टिव नहीं है, शी हैज टेकन अ ब्रेक फॉर द फैमिली, बट या सो या सो यू नो द फर्स्ट हाफ ऑफ योर पेज ऑफ रेज्यूमे इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड देन देयर आर सम अदर कोर्सेस एज वेल लाइक डेवलपिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर पोस्ट क्वालिफिकेशन. अपने क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको करियर पाथ कैसे चुनना है, आपको क्या करना है, आपको किस फील्ड में जाना है, हाउ डू यू यू नो नैरो डाउन ऑन योर इंटरेस्ट, तो वो सब चीजें इसमें कवर करी हैं. अगेन फाइनेंस प्रो फाउंडेशन लास्टली करियर गाइडेंस की तरफ है कि आपको किस तरीके से यू नो अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें कवर हो रहा है. एंड देन देयर इज फाइनेंस मैनेजर कोर्स which is all about team leading. You know, आपने individual contributor करके काम कर लिया, अभी आप finance manager बन गए हो या team leader बन गए हो, suddenly काफी कुछ change हो जाएगा. Now you are responsible for your time also, your team's time also, your boss's time also. Okay, तो suddenly काफी कुछ आपके profile में change हो जाएगा, आपको आपके team के बारे में responsibility लेनी है, तो suddenly एक fundamental shift होगा. And मैं समझता हूँ कि मैं lucky रहा क्योंकि मुझे एक manager अच्छा मिला जिसने मुझे टीम लीडर बनने में अच्छे से कोच किया. बट काफी लोग हैं वहां पे जो अगर आप फाइनेंस मैनेजर करके किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वो
लोग आप लोग अज्यूम कर लेंगे आपको मैनेजर करके लिया तो आपको टीम लीड करना तो आता ही होगा यू नो, बट जरूरी नहीं है कि आपका टाइटल मैनेजर होने से आप मैनेजर बन जाओ, राइट? सो जरूरी नहीं है. सो मुझे जो भी मैंने सीखा टीम लीडिंग के बारे में या कैसे आप एक कैपेबल मैनेजर बन सकते हो, वो मैंने पूरा एक फ्रेमवर्क बना के उस कोर्स में डाला हुआ है. अगेन ज्यादा ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, आई थिंक 7 to 8 hours ऑफ कंटेंट है इसमें जो आपको एक फ्रेमवर्क दे देगा. आपको कल भी मैनेजर बनाया जाए इमीडिएटली तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो स्टेप्स ये बता देगा, यू नो. एंड देन देयर आर सम कोर्सेस ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम ऑडिट फर्म टू फाइनेंस फंक्शन. आपने आर्टिकलशिप ऑडिट में की हुई है, अगर अभी आपको फाइनेंस में जॉब चाहिए तो आपको किस तरीके से आपको यू नो ट्यून करना पड़ेगा अपने आप को, किस तरीके से आप प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो वो है. करियर ऑप्शंस फॉर सीएस इन इंडस्ट्री इज लार्जली लाइक दिस सेशन ओनली, जहां पे मैंने आप सारा ऑलमोस्ट फ्री कोर्सेस ही रखे हो सर पे. हम तो बोले कि थोड़ा आप कर लीजिए, मतलब फ्री का कोई वैल्यू नहीं है आजकल मेरे हिसाब से. जो फ्री फ्री करे कम से कम तो 500 तो मिनिमम ही है. हमको लगता है 15 साल का एक्सपीरियंस है. हम तो बहुत पापी इंसान है, हम तो पैसा देते हैं. मेरा फिलोसफी जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था तो मेरा फिलोसफी ये था कि मेंटरिंग शुड बी फ्री. Mentoring यानी guidance should be free, not mentoring really, not one to one mentoring, but I would say guidance should be free, and training coaching should be chargeable, you know, because आप training coaching में आप एक specific skill में आप train कर रहे हो किसी को, right? ठीक है. और career coaching में आप किसी के लिए एक personalized plan बना के दे रहे हो, so that should be chargeable, but जो general guidance है that should be free, that's what I always believe in, but yes, your suggestion is taken. हाँ, क्योंकि free में फिर आप देखते ही नहीं है, वही बात हो जाता है. आपको सजेशन दूंगा थोड़ा चार्ज लीजिए, मिनिमम आपको जो होगा यू शुड चार्ज. और ये जो पेड वाला है तो इसमें आप थोड़ा एक डिस्काउंट अगर जैसे कोई तो 4000 वाला है, जो 3000 वाला है, अगर आप मेरा थोड़ा एक कोड बना दो तो मैं आपको YouTube में तो कर ही दूंगा. एंड यहाँ पर भी स्टूडेंट जिसको अगर लगेगा फाइनेंस में तो उसमें अच्छा खासा आप डिस्काउंट होगा, आपका जो लग रहा है खर्चा वगैरह तो उस हिसाब से कर दो तो वो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा. बिकॉज देखिए सबको मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है तो यू डिजर्व दैट. दैट इज द थिंग, दैट इज एब्सोल्युटली द थिंग, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू बिल्ड दैट. आपका इतना रीजनेबल है मोस्ट ऑफ द थिंग्स. और अगर कुछ होगा तो मैं आई नो यू आर जेनरस एनफ कि आप देख लोगे. So that's about the website. I would also suggest you guys to follow me on LinkedIn. तो मैंने 40 से ज़्यादा articles अभी तक publish कर चुका हूँ. You know, continuously मैं post भी करता रहता हूँ काफी कुछ career guidance के बारे में. So you guys can follow me there as well. FPNA के ऊपर भी आप अच्छा बना सकते हैं कि FPNA के ऊपर बहुत जन मांगता है financial controller, FPNA ये सब profile के अगर आप हो ना टेक्निकल चीजें तो लोग सीख सकते हैं, एडवांस्ड एक्सेल तो आप वैसे भी सीख सकते हो, अकाउंटिंग वैसे भी आप पढ़ सकते हो. कोई वॉरेन बफेट कोई कोर्स निकाल के अपनी जिंदगी का पूरा लिख दिया तो उसका कीमत अनवैल्यूएबल हो जाता है. That is a thing. Which is also experience, both होता है.
एकदम कोई का डाउट है सो एकदम आप कूपन कोड निकाल दीजिएगा, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ऐसे भी या यूट्यूब में श्योर डेफिनेटली करूंगा, कोई है नहीं, क्योंकि आपको भी बेनिफिट होना चाहिए। यू इन्वेस्टेड रियली वन एंड और विच इज ग्रेट एक्चुअली। और मेरे हिसाब से कोई को डाउट है तो नो एक बार पूछ प्रॉब्लम। लो, नहीं तो सर के लिए भी है और डेफिनेटली इनका तो करना भी है। नमन हाँ हैज रेज्ड हिज हैंड, हाँ बोलिए नमन हैज रेज्ड हिज हैंड। बोलिए बोलिए, आप लोग आराम से यस पूछिए सवाल। हाँ नितेश। गुड इवनिंग सर, मैं मितेश। सर करंटली क्या है कि अभी मैं एक मिड साइज फॉर्म में हूँ, लगभग उनका टर्नओवर 200 करोड़ है। अभी मैं करता क्या हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इनडायरेक्ट कंप्लायंस भी देख रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देख रहा हूँ, और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन असिस्टिंग ऑडिट कंप्लीट है। तो क्या मेरे लिए जर्नलिस्ट वाला जो रोल है आगे वो ठीक रहेगा? या दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आपको इसी प्रोग्रेस करना है, आज आप 200 करोड़ कंपनी में काम कर रहे हो, कल को आप शायद 2000 करोड़ कंपनी में काम करोगे। या सो आई थिंक इफ दैट इज द रूट दैट यू सी फॉर योरसेल्फ, देन जर्नलिस्ट पाथ वुड बी द बेस्ट वन। अगेन माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपको जर्नलिस्ट पाथ आपने नैरो डाउन कर लिया है, मुझे इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है, तो आई वुड सजेस्ट दैट अबाउट 5-6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होने के बाद के ट्राई एंड गेट एन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। यू डोंट नीड टू गो फॉर अ फुल ब्लोन एमबीए। आजकल छोटे वाले सर्टिफिकेशन भी काफी आ गए हैं, 6 मंथ्स वाले, 8 मंथ्स वाले भी सर्टिफिकेशन आ गए हैं। आई वुड रेकमेंड कि 6-7 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होने के बाद आप वो कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाओगे, मैंने जैसे बोला था कि फाइनेंस और मैनेजमेंट चीजें ब्लेंड होने लगेंगी थोड़े से, राइट? तो उस वक्त आपको मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग या दूसरे फंक्शन में क्या हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम में आएगी। तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड दैट आफ्टर 6-8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड गो फॉर अ मैनेजमेंट सर सर्टिफिकेशन। इस केस में फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहिए मुझे साथ साथ ही? सी अगेन, कोई भी नया स्किल सीखने से पहले आप ये आंसर कर लो कि आपको इमीडिएटली कुछ नीड है क्या, मतलब एज अपोज टू फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर कुछ और प्रायोरिटी है जो आपके काम में आपको मदद कर सकता है। हो सकता है पावर बीआई सीखना आपको ज्यादा यू नो यूजफुल हो सकता है, आपको कुछ चीजें आप जो रूटीन में कर रहे हो उसको ऑटोमेट कर सकते हो, या मे बी समथिंग दैट प्रायोरिटाइज करके आप सीखो। अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग आपका इमीडिएट नीड नहीं है, हाँ कल को मुझे कोई मॉडल बनाना नहीं है, अगर ऐसा है यू कैन पुश इट अ स्लाइटली at a later stage as well. Start with your immediate priorities and then move on to the others. It's a good to have. Financial modeling necessary नहीं है, but it's a good to have. आपको आता है तो अच्छा है। हाँ जी रेनू जी। हेलो धवल सर। हाय हाय रेनू, टेल मी। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दिस, जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें ये क्लैरिटी नहीं होती है कि हमने किस फील्ड में जाना है। जैसे अब सीए तो हो चुकी है, मे बी देखने में बाहर से तो सब कुछ अच्छा लगता है, बट विच फील्ड में हमें जाना है तो वो कैसे क्लियर होगा? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तीनों पाथ में से एक पाथ आपको चुनना पड़ेगा। विच पाथ आर यू मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स? आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के साथ शुरू कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी, नहीं है तो जस्ट टेक अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट पाथ पे शुरू कर लो। हाँ कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 साल मैंने जर्नलिस्ट करके काम किया, एक जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाले रोल में काम किया, फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं भाई ऑडिट ही अच्छा था, मेरे को तो वापस ऑडिट फर्म में जाना है, ये भी हो सकता है, राइट? या मेरे को टैक्स ही पसंद है, मेरे को तो टैक्स नहीं करना है, ये भी हो सकता है, राइट? सो आई वुड सजेस्ट दैट अगर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे फोकस नहीं है अभी, तो आप कोई भी रोल एक्सेप्ट कर सकते हो अभी एज एन एक्सपेरिमेंट। 2-3 साल बाद आपको खुद ब खुद डायरेक्शन दिखने लग जाएगा। मैंने ये तो किया बाद था, मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी तो बट मुझे क्या नहीं करना है वो पहले पता था, कि मुझे पता था कि मुझे टैक्स में नहीं जाना है, मुझे पता था कि मुझे बिग फोर में नहीं जाना है। सो ये दो चीजें मुझे पहले पता थी और समहाउ आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ऑफ दीज टू थिंग्स। तो दैट हैपेंड टू बी भारत पेट्रोलियम बाय गॉड्स ग्रेस, एंड देन फिर आगे करियर जैसा शेप अप हुआ। मेरा ना बिग फोर में क्यों नहीं जाना, ऐसा क्यों था आपका? मुझे इंटरेस्ट नहीं था यार, मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज में इंटरेस्ट नहीं था ना, ओके, तो या कंसल्टिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंडस्ट्री साइड में ही करना था। ये क्वेश्चन पूछता है कोई इंडस्ट्री, बड़े फर्म में जाना ही नहीं था, व्हाई इंडस्ट्री बहुत पूछता है क्वेश्चन, जो इंटरव्यू में पूछता है व्हाई इंडस्ट्री, पहले बात ही पूछता है ये वाला, व्हाई नॉट बिग फोर? तो बाद में अगेन the best answer to that would be that I want a role which is closer to the business, you know, mujhe kisi company ke finances manage karke uske business ko impact karna zyada acha lagta hai as opposed to giving advice.
तो बाद में क्या स्विचिंग पॉसिबल है, मतलब कंफर्टेबल होते हैं? हाँ, इनिशियल आई वुड से दैट इनिशियल 5-6 इयर्स में आप कहीं से कहीं भी स्विच कर सकते हो, दैट वुड बी पॉसिबल. बट जैसे आपके एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगी, आपको थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा. एक इंडस्ट्री या एक एरिया आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा. लाइक अभी लास्ट 6-7 इयर्स से मैं सर्विस इंडस्ट्री में ही हूँ. ओके, तो मुझे अभी मैं थोड़ा सा टाइपकास्ट हो गया हूँ वैसे, यू नो. अभी सडनली मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी आती है, आ सकती है, लेकिन मैं दो बार सोचूंगा कि भाई मुझे अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना है या नहीं जाना है, बिकॉज़ मेरे स्किल सेट्स अभी ज्यादातर सर्विस कंपनी के लिए सूटेड है, यू नो. तो जैसे आप सीनियर बनते जाते हो, आप थोड़ा सा आपके चॉइसेस कम हो जाते हैं, बट जूनियर लेवल्स पे तो आप डेफिनेटली यू कैन स्विच फ्रॉम एनी कंपनी टू एनी कंपनी. सर, ये जो आप जर्नलिस्ट बोला था, क्लियर हो जाते हैं जर्नलिस्ट जॉब का, मतलब इंडस्ट्री का रोल होती है लेने के लिए. जॉब जर्नलिस्ट बोल रहा था, इंडस्ट्री रोल के लिए बोलते हैं. ओके, यस यस. आपको क्लियर होने लगेगा कि आपको क्या नहीं करना है, देन दैट विल डिटरमाइन कि आपको करना क्या है. लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे टैक्स में नहीं जाना है, बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था. मुझे कंसल्टिंग एडवाइजरी टाइप में नहीं जाना है, यानी बिग फोर या किसी कंसल्टिंग में जाना नहीं था. तो मुझे इतना पता था कि कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में ही करना है. हाँ, अभी वो कौन सा रोल करना है वो एग्जैक्टली पता नहीं था. तो जैसे अपॉर्चुनिटी आते गया, मैं उसको लेते गया. एंड यू नो देन एक क्वेश्चन इससे आया, जैसे सर जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का क्या है? बोलते हैं कि इंडस्ट्री 9-to-5 जॉब होता है, 9-to-6, तो क्या आपका ये 9-to-5 ही होता है? ये सब मिथ है यार, ये सब मिथ है यार. आपका क्या वर्किंग आवर्स होते हैं नॉर्मली? आई डोंट थिंक सो. अभी भारत पेट्रोलियम में मेरा फर्स्ट जॉब था. आपका क्या इंप्रेशन है भारत पेट्रोलियम में? गवर्नमेंट कंपनी है, 5 बजे निकल जाना चाहिए था, राइट? पर जितने वीकेंड मैंने भारत पेट्रोलियम में काम किए, आई कांट टेल यू कि कितने वीकेंड मैंने वहां पे काम किए. मेरा रोल वैसे था, मेरा रोल प्राइसिंग का रोल था. अगर प्राइसिंग में सिस्टम में अपडेट नहीं करूंगा तो वहां पे लॉरी रुक जाएगी भाई, तेल नहीं निकलेगा उधर, राइट? सो इट वॉज एन इम्पोर्टेंट रोल. आपको काम को आपके लाइफ के साथ ब्लेंड करना है, बस दैट्स इट. देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस. ये वर्क सेपरेट है, काम और लाइफ सेपरेट है. बैलेंस नहीं है, पूछना बंद कर दो अभी, है ना? लाइफ ही वर्क है, वर्क ही लाइफ है, सब कॉम्पिटिशन बहुत है, नहीं तो निकाल देते. कंपनी के कल्चर पे भी डिपेंड करता है ये. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंडस्ट्री ऐसे ही होता है, कंसल्टिंग फर्म ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है. कंपनी के कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, यू नो. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आईटीसी में एक बंदा था, 6-8 महीने पहले मुझे एक कॉल आया था. उसने बोला कि सर आईटीसी का कल्चर अच्छा है, लेकिन आईटीसी में मेरे डिपार्टमेंट का कल्चर एकदम बेकार है. आई वोंट वांट टू नेम द डिपार्टमेंट. ही सेड कि मेरे डिपार्टमेंट में सबने ऐसा कल्चर बना के रखा कि सैटरडे संडे भी काम करते हैं लोग, 15 घंटे काम करते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, आईटीसी में कैंपस इंटरव्यू में हाईएस्ट उसको पैकेज मिला था कुछ 21 लाख का. अब उसको जॉब छोड़ना है तो मार्केट में कोई 21 लाख देगा नहीं, तो वो फंस गया. Either he'll have to, अगर उसको निकलना ही है तो he'll have to accept at a lower salary and restart his career. तो फिर कितना लो मिलेगा? अगर एक चीज अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 21 मिल रहा है किसी को, अब वो अगर उसको जो नेक्स्ट बेस मिलेगा वो बहुत कम होता है क्या? बहुत कम डिपेंड्स ऑन द मार्केट यार, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है उसमें. 19-20 कम की बेहतरी कम 13-14 में आ जाता है, मतलब उसका ऐसा नहीं है. Whatever it may be, but अगर उस बंदे को उसमें सुकून मिल रहा है तो he should accept it, right? हाँ, no पर ITC में तो बहुत काम कराते हैं, हम सुना है जितना ITC बहुत काम करवाते थे के ट्रैवलिंग करवा देते. ऐसा कुछ ये नहीं है, like I mentioned, कल्चर के ऊपर डिपेंड है सब. हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी है. ये जनरलाइज अपने को नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ यू नो उस हिसाब से तो भारत पेट्रोलियम में मुझे रोज 5 बजे निकलना चाहिए था, बट नहीं हो पाया. इट अगेन डिपेंड्स ऑन द रोल, डिपेंड्स ऑन द कल्चर. और कोई का डाउट, जैसे कोई शिवम का कोई डाउट था क्या? शिवम या किसी का, माधुरी व्यास, आप लोगों का कोई का कंचन, श्रद्धा? ये जो ना आपके करियर को जो है ना, आप ये एक ये जॉब की तरह देखना बंद कर दो इसको सबसे पहले तो. यूं समझ लो कि आप अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म चला रहे हो, ठीक है? और उस तरीके से आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करो. ओके, तब जाकर आप एक्चुअल उसमें आउटपुट दे पाओगे. आप हमेशा आप समझते हो ना कि यार इतनी तनख्वाह में इतना काम करना है क्या? मतलब ये वाली जो अप्रोच है जॉब की तरफ, ये आपको ले डूबेगी. बिकॉज इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, इसमें आपको सब, आप जॉब की तरह देखोगे, घर आके 10 बार क्रिप करोगे,
इसको ऐसा नहीं होगा, मतलब आप इसको कंसल्टिंग की तरह देखना शुरू करो, इट्स योर ओन कंसल्टिंग फर्म. एंड लेट्स से आपने कल को लेट्स से आईटीसी ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू समझ लो कि आप कंसल्टिंग फर्म में और आईटीसी आपका क्लाइंट है, तब भी आप यही बोलोगे क्या? तभी आप यही बोलोगे अरे यार आईटीसी क्लाइंट है, कितना काम करवाता है, ये वो सब नहीं बोलोगे ना आप? मतलब आपके अगर खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म होती और आउटसोर्सिंग के बारे में भी यही बोलोगे क्या? सपोज अगर कोई यूएस की कंपनी है आके आपसे अकाउंटिंग करवानी चाहती है, आपकी सीए, आपका सीए फर्म है, आपसे अकाउंटिंग करवाना चाहता है, तब भी आप यही बोलोगे क्या? अरे इसमें तो कॉपी पेस्ट होता है, इसमें कुछ लर्निंग नहीं होता. नो भाई, यूएस की कंपनियां आके आपसे अकाउंटिंग करवा रही है, उससे बढ़िया और क्या चाहिए? सो ये सोच की बात है. अगर आप आपके करियर को एक कंसल्टिंग फर्म की तरह देखोगे ना, हाँ मैं मेरे खुद के कंसल्टिंग फर्म का मालिक हूँ बॉस, आज आईटीसी मेरा क्लाइंट है, कल कोई और होगा. मैं तो हमेशा ऐसे ही देखा, बीपीसीएल को मैं मेरा पहला क्लाइंट समझ लो. आज बीपीसीएल क्लाइंट है, बोर हो गए, कोई और क्लाइंट मिल जाएगा. अगर आपके करियर को आप कंसल्टिंग फर्म की तरह देखोगे ना, तो आप कभी इनसिक्योर महसूस नहीं करोगे किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे वो पे हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपका बॉस हो, कोई भी हो. या एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? हेलो. Yes. पांडे का क्वेश्चन. Yes, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हाय इवनिंग. सर यू टोल्ड अस अबाउट दिस ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज, सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू पीपल फेस व्हाइल स्विचिंग फ्रॉम यू नो ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टू लोकल गैप ऑफ इंडिया मे बी? इंडियन फर्म बोल रहे हैं. हां सो देखो आप रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स आप वैसे भी भूल जाओगे, राइट? सो अगर आपको आप वहां पे आईएफआरएस पे काम करो, यहां पे आपको सडनली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे काम करना है, हाँ तो वो सब एडजस्टमेंट्स तो आपको वैसे भी करने, वहां पे जीएसटी का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे जीएसटी का लेना देना होगा. तो सब्जेक्ट मैटर पे तो वैसे भी आप थोड़ा सा फॉल्टर करोगे, बट जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होंगे वो चेंज नहीं होगी. यू नो वहां पे डेबिट क्रेडिट को कुछ अलग बोल देगा यूएस में, और इंडिया में डेबिट क्रेडिट कुछ अलग बोलते हैं, ऐसा नहीं है. मतलब ग्लोबली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का लैंग्वेज तो सेम ही है. ओके सर, थैंक यू. हाँ जी, अतुल का क्वेश्चन. Sorry, Shyam, I'll have to take one more question. I may have to wind up today. हाँ, एकदम. One last question. Yes, Atul. जैसे कि मैं अभी बिकॉम आपका आवाज नहीं आ रहा है अतुल, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है अतुल. हाँ सर. या यस मैं बिकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, एंड मेरे को बिकॉम के बाद आईएफआरएस करना है, वो ठीक क्या करना? कुछ आपका समझ नहीं आ रहा तो मैसेज करिए, आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम मैसेज कर दीजिए. आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, मैं इनको पूछ लूंगा अगर कोई दिक्कत हुआ तो. चलो ठीक है, इनका क्यों सेशन दूसरा. एक चीज मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा धवल सर, जैसे आपको एफपीएनए का बहुत नॉलेज है और ये है, तो जैसे सब समय निकाल के अगर आप दे दोगे ना, बहुत बड़ा बात मेरे लिए होगा और ये लोग के लिए भी होगा, क्योंकि आपका गाइडेंस हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम में काफी हेल्प होगा. और एक चीज बहुत देखिए, आपका एक्सपीरियंस में आदमी मिलता, एक तो बात ही नहीं करता पहले बात तो बात ही नहीं करता ऑनेस्टली लिंक्डइन में, तो लेके आने में बहुत मुश्किल है आपको. मैंने ना ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपका देखा था, वो ये मतलब बात करने का कभी वो नहीं हुआ मेरा कि चलिए इनके बात करके एक बार देखते हैं, तो वो था एक फीलिंग मन में रहता कि रिप्लाई नहीं किया तो क्या लगेगा, तो वो फीलिंग हमेशा रहता है, सामने वाले रिप्लाई नहीं किया तो वो फीलिंग हमेशा रहता है एक इंसान के मन में, तो वो था. पर आपने किया तो बहुत बड़ा हमको अच्छा लगा रियली में. तो ये ऐसे है कि मतलब होता ना, आपको जैसे जो टाइम मिलता है तो लोगों को भी गाइड हो जाएगा, और आपका एक्सपीरियंस काफी काफी वो है, मतलब गोल्डन एग्जी बहुत फाइनेंस में हर किसी को जाना है, तो रियली फाइन है एफपीएनए है, तो ऐसे करना जैसे भी आपको टाइम मिले तो जरूर हम लोग के लिए हेल्प करिएगा, हम लोग भी आपको जॉब कर सके. वेरी एंथुसियास्टिक ऑडियंस आई मस्ट से. आप लोग फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, इनको एक लिंक्डइन में जाके रिकमेंड वगैरह करिएगा, कोर्स वगैरह करिए इनका, ठीक है, हमको कोर्स का आप बना के दीजिएगा. ठीक है जी सर, ओके जी, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, इसको यूट्यूब में भी डाल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you. 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 Thank you